राजा को भेजा है। झुके कदमों पे राजा ऐसे महाराजा को भेजा है। ये क्यों कहते हो भारत में फकत राजा को भेजा है, झुके कदमों पे राजा ऐसे महाराजा को भेजा है। जमीने हिंद को ईमान के फूलों से महकाने, मदीने से मोहम्मद ने मेरे ख्वाजा को भेजा है। आइए आज हजरत वाले शाह पीर की इस नूरानी महफिल में ये मनकबत गरीब नवाज रखने जा रहा हूँ, और मेरा खुद का ये अरमान था कि आज इस महफिल में ये मनकबत सुनाऊं। तवज्जो फरमाएं, और एक एक मिसरा बहुत तवज्जो चाहूंगा गरीब नवाज के दीवानों से, बिलखुसूस हमारे पुलिस अफसरान साहब से भी तवज्जो। आसिफ भाई, जनाब जहरा के दिल का टुकड़ा, फर्जी झोली
उसको उसी तरह तू दवा दे उसको उसी तरह तू तो जिसका जैसा सवाल
कमी न आई, नवाजे उसको उसी तरह तू हो जिसका जैसा सवाल ख्वाजा। दुश्मनों का तेरे लश्कर भी नहीं जीत सका, ये तो खतरे हैं समंदर भी नहीं जीत सका। तू सदा रहता है ख्वाजा की निगहबानी में, तुझसे ऐ हिंद सिकंदर भी नहीं जीत सका। जहां की नजरों से क्यों गिरेंगे, जहां की नजरों से क्यों गिरेंगे, जहां की नजरों से क्यों गिरेंगे, तू है तो क्यों दर बदर फिरे। अपनी मुराद लेकर जाता है,
कोई मेरे ख्वाजा से औलाद मांगने जाता है, कोई जमीन मांगने जाता है, कोई जायदाद मांगने जाता है, हर कोई अपनी अपनी मांग लेकर जाता है। आइए, गरीब नवाज के कुछ दीवाने ऐसे भी हैं जो ये मांगते हैं, क्या तवज्जो बिलाल भाई, अब मांग देखिए। हवस के मारों को दे दे दौलत, हवस के मारों को दे दे दौलत, मैं लेके आया हूँ बस ये हसरत, सरकार गरीब नवाज से कह रहा हूं। अब आइए जरा दो
बंद मैं इसी मनकबत में हजरत बालेश्वर पीर के लिए कह रहा हूँ। जरा सा भाई मैं उनसे अपनी फरियाद रखना चाहता हूँ, जरा आप लोग बीच में से हट जाएं। ये मेरा मुकद्दर, मेरा नसीब, मैं इसे अपने माँ बाप की दुआ समझता हूँ कि इस स्टेज पर हजरत बालेश्वर पीर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में इस स्टेज पर ये मेरी 20वीं हाजिरी है, इस स्टेज पर ये मेरा 20वां साल है। अब इससे बड़ा इनाम सरकार बालेश्वर पीर से मैं क्या लूंगा कि अपने दरबार में इन्होंने मुझे 20 बार बुलवाया और वही इज्जत वही मोहब्बत से नवाजा और उसी करम से नवाजा। आज भी मैं अपने बालेश्वर पीर से कह रहा हूं, थका दिया, जरा बीच में जा जाइए, थका दिया गर्दिशों ने मुझको, थका दिया गर्दिशों ने मुझको, ममों से हूँ मैं निढाल वाले, वली का बुलावा नहीं होगा आप नहीं पहुंच सकते, आप नहीं आ सकते। ये सरकार बालेश्वर पीर की नजर है जिन्होंने अपने दरबार में मुझे कंटिन्यूटी लगातार 20 साल अपने दरबार की हाजिरी मेरे नसीब को बख्शी। अब ये शेर जरा समाप्त करें,
मुझे तू दामन में अब छुपा ले, मुझे तू दामन में अब छुपा ले। परिवार के लिए पढ़ रहा हूं जो बाले शब्बीर की खिदमत में है। बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा नसीब चाहिए वली की खिदमत। वली की खिदमत हासिल होना ऐसा मुकद्दर। मैं उनके लिए पढ़ रहा हूं जो मेरे पीर बाले की खिदमत में है। आसिफ भाई, अलीम भाई, दिलावर भाई, दो मिसरे मुना भाई, जरा ये दो मिसरे सुनना। रहम करम का बादल देखो अपने सर पे साया, हाँ रहम करम का बादल देखो अपने सर पे छाया है, रहम करम का बादल देखो अपने सर पे छाया है, रहम करम का बादल देखो अपने सर पे छाया है। रहम करम का बादल देखो रहमत बन के छाया है, रहम करम का बादल देखो रहमत बन के छाया है। दिलावर भाई आप पर, आसिफ भाई आप पर, अलीम भाई आप पर, रहम करम का बादल देखो रहमत बन के छाया है। आ रहे मुकरम का बादल देखो रहमत बन के छाया है। कैसे कैसे बाले पीर का हाथ में दामन माँ का सर पे साया है, मुझे तू दामन में अब छुपा ले।
करम दे।